नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द वैदिक कॉलेज में। और हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट केमिस्ट्री से रेडियो एक्टिविटी, और आज हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। ठीक है, अब देखो, जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है उसमें क्या होता है, लगातार न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है ना, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियस है उससे हमेशा रेडिएशन निकलते रहती है, अल्फा पार्टिकल्स निकलते रहते हैं या बीटा पार्टिकल्स या गामा रेज, तो उसका न्यूक्लियर स्टेबल नहीं होता। न्यूक्लियस क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता रहता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, उसका कुछ मास लॉस होता रहता है। ठीक, अब ये जो लॉस ऑफ मास है वो कन्वर्ट होता है किसमें, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब कितनी एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ये हमें आइंस्टाइन का एक फॉर्मूला है, मास एनर्जी इक्वेलेंट रिलेशन, जो बताता है कि एनर्जी जो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है वो कितने के इक्वेलेंट होगा, डेल ई इज इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर, जहाँ डेल एम क्या है, चेंज इन द मास, और सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो न्यूक्लियर में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और जिससे उसका लॉस हो रहा है मास का, वो किस में कन्वर्ट हो जा रही है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब एनर्जी हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, अब न्यूक्लियर एनर्जी दो टाइप से हमें मिल सकती है, या तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकता है या न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। पहले 1939 में दो जर्मन साइंटिस्ट ऑटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने पाया कि यूरेनियम न्यूक्लियस जो है उसको अगर हम स्लो न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करें तो न्यूक्लियस ऑलमोस्ट दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, और उससे कुछ न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी कितनी थी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियस, यूरेनियम 235 का एक न्यूक्लियस से। ठीक है, इतनी सारी एनर्जी निकल रही थी उसने पाया, और साथ में खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स भी निकल के आ रहे थे। अब देखो, वही उसी को यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म में लिखा गया है, यूरेनियम 235 के बम्बार्ड किया गया न्यूट्रॉन से तो वो बना यूरेनियम 236। ठीक है, अब वो फर्दर अनस्टेबल होकर दो स्मॉल फ्रैगमेंट्स में बढ़ जाता है, बेरिलियम और क्रिप्टन, और तीन न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, प्लस खूब सारी एनर्जी निकलती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है ना, ये फ्यूजन है, फ्यूजन मतलब तोड़ना, टूट रहे ना, ये एक जो एक था मटेरियल वो दो मटेरियल में बन गया, टूट गया है ना। अब ऐसा पाया गया कि एलिमेंट्स हैविंग हायर वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो आर मोर लाइकली टू अंडरगो फ्यूजन। ठीक, जिसका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ज़्यादा होगा उसके चांस ज़्यादा है कि वो फ्यूजन हो उसमें। एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिलीज्ड इन अ यूरेनियम एटम फ्यूजन इज 2.5। अब जो फ्यूजन कराते हैं यूरेनियम एटम का, तो उसमें पाएगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, एवरेज अगर ले रहे हैं तो 2.5। ऐसा नहीं है कि आधा न्यूट्रॉन निकलता है, जैसे 25 निकला तो उसको अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 हो गया है ना, तो उस तरीके से पाया गया। तो ठीक है, तो इसी तरीके से एक और एक्सपेरिमेंट से पाया गया कि 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235 का जो है उसके फ्यूजन कराने से अप्रॉक्सीमेटली 2×10⁷ किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी मिलती है, सिर्फ 1 ग्राम से। मतलब कितना हो गया यार, 20 लाख कैलोरी एनर्जी मिलती है, बहुत ज़्यादा होती है ना, टनों कोयला जलाने के बराबर है, कई टन कोयला जलाने के बराबर। ठीक, तो कितना ज़्यादा, मतलब आप सोचो पॉल्यूशन बचाया जा सकता है सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम से, है ना। इसलिए जो न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसको क्लीन एनर्जी भी बोला जाता है, बट इसका अपना भी ड्रॉबैक है, इससे रेडिएशन की प्रॉब्लम वगैरह है, या फिर खतरा बहुत ज़्यादा रहता है कि कहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ खतरा ना हो जाए, ब्लास्ट ना कर जाए, जैसा कि रशिया वगैरह में हुआ था चेर्नोबिल, फिर रिसेंटली जापान में हो गया था जब सुनामी आई थी। तो कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, लेकिन उसके एडवांटेज भी बहुत ज़्यादा हैं अगर इसको सही तरीके से यूज़ किया जाए तो। ठीक है, फिर न्यूक्लियर फ्यूजन भी फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सप्लोसिव या अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, और दूसरा होता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक, हम पहला देखते हैं एक्सप्लोसिव या अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन क्या है। इसमें जो इस रिएक्शन में क्या होता है कि फ्यूजन न्यूट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज करते चले जाते हैं टिल होल ऑफ द फ्यूजनेबल मटेरियल इज कंज्यूम्ड। मतलब आपने देखा कि हर एटम जब न्यूक्लियस जो स्प्लिट होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे, तो ऐसे
कई सारे न्यूक्लियस हैं एक एलिमेंट में, है ना। तो जब तक कि पूरा का पूरा मटेरियल ख़त्म ना हो जाए तब तक उसमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स के जो नंबर हैं वो बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। ठीक, ये जो प्रोसेस होता है बहुत क्विकली होता है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, और इसमें ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है और बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। और इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है, एटम बम, है ना। एटम बम जो जापान में गिराया गया था ना, वो इसका क्लासिक एग्जाम्पल है कि अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, एकदम कम अमाउंट ऑफ टाइम में खूब सारी एनर्जी निकली, है ना, पूरा का पूरा फिजन मेटल एकदम कुछ सेकंड में ही ख़त्म हो गया। और उसका रिजल्ट क्या निकला, खूब ज़्यादा एनर्जी निकली, जैसे कि कितनी तबाही आई थी आप सब जानते हैं, हिरोशिमा नागासाकी में। तो कंट्रोल चेन रिएक्शन के बारे में हम अगले अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये था आज का वीडियो, होप आपको पसंद आया हो और इस बारे में आपको जो भी डाउट्स हों वो क्लियर हो गए हों। अगर कोई डाउट फिर भी रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम फिर से आपके जो भी डाउट रहेगा उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।